प्रधानमंत्री मोदी के चाय वाले दीवाने देखे होंगे, लेकिन इंदौर में एक ऐसा कांग्रेस पार्टी का भी दीवाना सामने आया है जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस की सरकार बनने पर 4 दिसंबर को यह दीवाना हजारों रुपए खर्च करके लोगों को फ्री में चाय पानी पिलाएगा, यह इसका दावा है। इस कांग्रेस पार्टी के दीवाने का नाम दिलीप है। इन्होंने दवा बाजार स्थित अपनी चाय की दुकान पर बाकायदा एक बैनर लगाया है जिसमें लिखा है कि यदि प्रदेश में 3 तारीख को आए परिणामों में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह 4 दिसंबर को चाय पानी निःशुल्क देंगे। टी स्टॉल के मालिक दिलीप जैन ने बताया कि वह कांग्रेस पार्टी को बेहद अधिक पसंद करते हैं और हर बार चुनाव में वह कांग्रेस की जीत की कामना करते हुए नवाचार करते हैं। देश की जनता मतलब महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, हर चीज महंगी होती जा रही है। एक बार हम चाहेंगे कांग्रेस की सरकार वापस आए और हर चीज सस्ती हो। पूरे देश के हर व्यक्ति चाहता है कि महंगाई वायरस से थोड़ा छुटकारा मिले। हम कांग्रेस की सरकार में 1100 रुपए की टंकी लाते थे, आज 2000 रुपए की वही टंकी हम लेके आ रहे हैं। अच्छा, कमर्शियल वाली? कमर्शियल वाली। और किस भाव से आपको ये ख्याल आया? हाँ, को चाय की पत्ती हम आज 320 रुपए किलो ला रहे हैं, जबकि 220 रुपए किलो में हमको आती थी आज से 2 साल पहले। दूध लगा हुआ 50 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर खरीद के ला रहे हैं। इसी वजह से हमने सोच रहे हैं एक बार कांग्रेस की सरकार आए और वापस सब चीज को सस्ती करे। तो क्या करेंगे आप कांग्रेस सरकार आती है? हम चाय और पानी दोनों फ्री रखेंगे, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक, 4 तारीख को। ये आप इसी से कर रहे हैं? हमारी खुद की इच्छा से, दिली इच्छा से हमने रख रहे हैं। आपका नाम बताओ? मेरा नाम दिलीप जैन है, दवा बाजार में जैन साहब के नाम से फेमस हूँ।